पहली बार किसी रेप केस में इतनी जल्दी एक्शन लिया गया है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ अभी's एफर्ट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वो अभी तक करता आया है या उसने जो किया है उसे माफ कर दिया जाए। मैं नहीं कर सकता। खुश रहना, सच्चे दिल से कह रहा हूँ। डॉक्टर सिमरन, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ मम्मी को? वो बेहोश हो गई, जल्दी आ जाओ। कहाँ है मम्मी? अस्पताल में। ठीक है, मैं जल्दी आ रही हूँ। क्या हुआ, मामा ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। मुझे डॉक्टर से बात करनी है और तुम्हारे फोन की बैटरी भी लो हो रही है। मेरा फोन यूज कर लो प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब, मैं नेहा बोल रही हूँ। मम्मी कैसी है, क्या हुआ उन्हें? चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो ठीक है। उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया था लेकिन अब पहले से बेटर है, यहीं हॉस्पिटल में है। वो सच में ठीक है ना डॉक्टर? यस नेहा, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ चली आओ। तुम पास रहोगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ मैं आ रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम। डिहाइड्रेशन हो गया हमें, वक्त पर खाती नहीं है, अपना ख्याल नहीं रखती है, पता नहीं क्यों करती है ऐसा। एक दिन के लिए घर से बाहर क्या निकली और वो नेहा, जस्ट काम डाउन, शी विल बी ऑलराइट। डॉक्टर से भी बात हो ही गई है। मुझे जल्द से जल्द मम्मी के पास पहुंचना है। एक्चुअली नेहा की माँ को मेंटल डिसऑर्डर है। इज इट सीरियस? आई वोंट नो, मतलब कभी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, कभी एकदम से डिप्रेशन में चली जाती हैं। यू थिंक प्रणय वुड बी एबल टू हेल्प? आई कैन टॉक टू प्रणय, मगर नेहा को अपनी मदर को लेकर कुछ दिन बॉम्बे आना पड़ेगा। इफ वो टाइम निकाल कर आ सकती है तो सब कुछ हो जाएगा। आई अरेंज फॉर इट। आई थिंक शी विल हैव टू डू दैट। थैंक यू। नो, इट्स नॉट एट ऑल। तो भवानी, तुम नेहा को लेके और पूनम को लेके चलो, मैं घर होकर आता हूँ। कैन आई कम विद यू? आई मीन कल रात भीड़ भाड़ में मम्मी जी से बात भी नहीं हो पाई ठीक से, सो नो नो नो, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से तो वो खुश होगी तुम्हें देख के। चलो सिमरन, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, तुम कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो मनु, मैं ही तुम्हें फोन करने वाली थी। सुबह सीएम के यहाँ से फोन आया था पूनम के केस को लेकर। विल यू बिलीव इट मनु, मैं वहीं से निकल रही हूँ। सीएम ने प्रॉमिस किया है कि इस केस में हमें पूरा सपोर्ट करेंगे वो। इजंट दैट ग्रेट न्यूज? आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर मी एंड अभी। अभी यहीं है मेरे साथ। ओह, तो मीटिंग पूरी हो गई ना? हाँ हाँ हो गई। अभी ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं भी चलकर मिल लेती हूँ उनसे। ओके देन, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके बाय। मामा मामा मामा, बस मामा, कितना खाऊंगा मैं, मुझे जाना भी, देर हो रही है मुझे मामा। मेरे हाथ का खाना खाए तुझे कितने दिन हो गए, फिर पता नहीं कब मौका मिले। अब तो काम में भी तू इतना बिजी हो गया। मामा बस 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 बस, नासिक बहुत पास है, मैं आता जाता रहूँगा प्लीज। आँखों से दूर हो ना तो जरा सी दूरी भी बहुत लगती है। अभी
तेरा काम यहीं रह के नहीं हो सकता अभी? नहीं मामा। मत जा, तेरे बिना घर बहुत सूना हो गया। बेटा, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ बड़ी बेचैन रहती है। अगर तुम यहाँ वापस आ सको तो। अरे कैसे वापस आ जाऊं पापा, आप लोग भी अजीब बात कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। मम्मी जी अभी सही कह रहे हैं, अगर जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा तो करना ही होगा। और वैसे भी हम सब अभी के अचीवमेंट से कितना खुश हैं, नहीं? ठीक है बेटे, तेरे काम में कोई रुकावट नहीं डालूंगी, लेकिन काम खत्म होते ही तो लौट के आएगा ना। अरे मामा, जब मैं यहां से गया था तो सोचा था कि कहीं जाकर मुंह छुपाऊं, लेकिन जब पर्दा ही उठ गया है तो फिर मुंह छुपाने का क्या मतलब? आ जाऊंगा मैं वापस जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इतनी इज्जत कमा चुका हूं या इतना नाम कमा चुका हूं कि आप सब लोगों के सामने इज्जत से आके खड़ा हो चुका हूं, तब आ जाऊंगा वापस। हम उस दिन का इंतजार करेंगे बेटा। अभी वैसे I wanted to ask you something. तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसका किसी को पता नहीं था। But how did you know about us? तुम्हारा वो मैसेज। I'm the culprit. आप लोग मुझसे नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं जानता था अभी कहाँ है। लेकिन इसी ने मुझे बताने से मना किया था। He was in touch with me. उसे हमारी फिक्र थी, हमारे बारे में जानना चाहता था। I'm sorry. नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जिद तो मेरी थी ना, लेकिन छुपाया तो मैंने ही। आप सबकी फिक्र अभी के काम में रुकावट ना बने, इसलिए मैंने सोचा। अब हम क्या करें? अभिमन्यु अभी तक नहीं आया, जाने का टाइम हो रहा है। फोन करो ना उन्हें। हेलो। हाँ मैं नेहा, तुम अब तक आए नहीं थे तो हमें जाना है ना? हाँ जाना है, बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से थोड़ी देर में। डोंट वरी अबाउट इट। आज ही चला जाएगा, एक दिन और नहीं रुक सकता। नहीं मामा, हम लोग सब साथ में ही आए हैं तो फिर साथ में ही जाएंगे वापस। मैं आंटी जी से बात कर सकती हूँ? हाँ या श्योर। मामा, नेहा आपसे बात करना चाहती है। हेलो। नमस्ते आंटी जी, मैं जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। अच्छा किया बेटे, फिर जब आओ ना तो हम लोगों से मिलना ज़रूर। जी। और देखो, अभी ने वादा किया है कि वो पूनम का केस ख़त्म होते ही घर वापस लौट आएगा,
तुम उसे याद दिलाती रहना कि उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे हैं। जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। क्या हुआ नहीं हूँ? अभिमन्यु क्या वापस आना चाहता है अपने घर? आज नहीं होगा, आज तो मुश्किल है। मुझे लगता है रुक जाना पड़ेगा एक दो दिन, उसके बाद ही समझ में आएगा। हाय। हाय। बहुत देर से वेट कर रहे थे तुम्हारा। I'm so sorry, मैं फोन भी नहीं कर पाई। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। Well, बात ही कुछ ऐसी है। आज चीफ मिनिस्टर ने भी इस रेप केस में हमें सपोर्ट करने का वादा किया है। Isn't that great? No, that's really good. That's nice. And I'm so happy for Abhi. ये सब अभी की एफर्ट्स का नतीजा है। He has changed so much, Malas, for the better. I mean, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी इतना बदल सकता है। Excuse me, I have to go. मुझे एक urgent appointment पे जाना। मगर तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे ना? हाँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। Sorry. Manas, तुम जानते हो अभी के parents, they are so proud of him. इतना खुश है वो। सिमरन, मुझे नहीं लगता जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो। क्या कर रही हूँ? Come on, Simran. I'm sure you understand psychology very well. और उसके बावजूद तुम अभी की बातें कर करके मनु को क्यों डिस्टर्ब करती रहती हो? But there's nothing wrong, Manas. I think it's not right. क्या गलत है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझसे अभी के बारे में सुनकर मनु को अच्छा नहीं लगा? तो ऐसा नहीं लगता। What are you trying to say? मनु ऐसा बचपना नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए। ना 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 ना, सिमरन, इसमें बचपने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ये बात तुम्हारे समझने की। Don't take it otherwise. I mean, I'm really happy for Abhi's maturity and his success, and so is Manu. लेकिन तुम जानती हो मनु की क्या हालत हुई थी, वो किस हाल से गुजरा था। तुमसे बेहतर ये कौन जानता है? और उम्मीद के नाम पे अगर सिर्फ तुम हो उसके सामने और ये अभी के बारे में जानता है, उसे पता है तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था, इन सारी बातों को लेके उसके मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा डर, स्वाभाविक बात है, उसमें बचपना क्या है। और वो इतना ख्याल रखता है कि तुम्हें किसी बात से कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे बारे में इतना सोचता है, तो थोड़ा तुम उसके बारे में सोच लो, तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। Anyway, I'll take leave. See you. Bye. Bye. Yes, ma'am. मनु, मैं सोच रही थी कि आज रात को हम डिनर खाने चले कहीं बाहर, इफ यू फ्री। यस, आई एम फ्री। ओके, बाद में बात करते हैं फिर। बाय। ओके, बाय। बाद आ रहे हैं ना यहाँ? या क्या करें? You are the busy one. I'm the busy one. Talk about yourself. तुम्हें कहाँ फुर्सत मिलती है हॉस्पिटल से? मुझे? और क्या? मुझे तो बस फुर्सत ही फुर्सत है। बुला के देख लो, बंदा हाजिर है। अच्छा। अभी नहीं यार, 10 मिनट बाद। जल्दी क्या है? इतने दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, ये क्या बात है? आए बैठे खाए, जल्दी। No way.
आप डॉक्टर सिमरन है ना जी? आपको टीवी में बहुत बार देखा है। मैम ऑटोग्राफ प्लीज। क्या सच में पूनम को इंसाफ मिलेगा? Well, कोशिश तो कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैम आप जैसी औरतों की हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरत है। मैं भी इस केस को बहुत इंटरेस्ट से फॉलो कर रही हूँ। आप और आपके हस्बैंड ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। He is not my husband. I mean, your ex-husband. कभी तो रिश्ता था। चलिए मनु। If you'll excuse us, please. मनु, I'm really sorry. मेरी वजह से आज की शाम बर्बाद हो गई। Sorry क्यों? I mean, you are a celebrity. ऐसी बातें तो होती रही। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। और जो वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊं या बिताना चाहूं, वहां और कोई नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आज तुमसे कोई खास बात करना चाहती थी। ये बात घर पर भी हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी ऐसी जगह चलें जहां सिर्फ तुम और मैं हो। कहो। मनु, हमें अपनी वेडिंग डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। What? Why are you reacting like this? क्या सिर्फ प्रपोज करोगे? शादी नहीं करना चाहते? चाह के नाम पर न जाने ये सवाल मेरे मन में कब से था। Well, I'm already waiting for him. रश्मि की भी शादी हो गई है। Everyone is waiting for our marriage. Everyone and you? क्या सुनना चाहते हो? हाँ, क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से? अगर मैं नहीं चाहती तो ये शादी का सब्जेक्ट उठाती? Would I discuss the dates with you? हाँ? What is it that you want to hear? वैसे गुरु, हम लोग पहुंचे कहां तक? नासिक आ जाएगा 20-25 मिनट में बस। अच्छा अच्छा वैसे जाते वक्त रास्ता कुछ छोटा था, वापसी में कुछ ज्यादा लंबा नहीं लग रहा? हाँ भैया, बड़े शहर की बड़ी बातें, बड़े लोग, बड़ी हस्तियां, हम क्या कुएं के मेंढक? चाहे कितना भी उछले रहेंगे पानी के पानी में, उधर के उधर ही बस। मतलब गुरु, तुम तो इस महानगर की उपज हो। मतलब बहुत सारे लोग तुमको जानते होंगे, तुम बहुत सारे लोगों को जानते होगे। भाई हम तो इस डॉक्टर सिमरन को मिलकर एकदम इंप्रेस हो गए। अरे क्या पर्सनैलिटी है भाई, कितनी इज्जत करते हैं लोग उनकी। मतलब मैं तो डॉक्टर सिमरन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। गुरु वैसे ये है कौन? मतलब तुम्हारी फैमिली और तुम बहुत अच्छी तरह उनको जानते होगे, नहीं? डॉक्टर सिमरन मेरी फर्स्ट वाइफ है।